खेल खेलने का शौक जो मेरे मुख्यमंत्री का रहा है, इनके खेल खेलने के शौक ने ही मेरे बिहार को बर्बाद किया। पिछले साल भर से मुझे बताइए, जब से इनको शौक चढ़ा है विपक्ष को एक करने का, पिछले एक साल से ये संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे, मीटिंग में जाएंगे नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है। पिछले एक साल में बिहार में हुई हत्याओं पर चर्चा हुई, पिछले एक साल में बिहार में बढ़ते अपराध पर चर्चा हुई, पिछले एक साल में शराबबंदी कानून की विफलता को लेकर कोई समीक्षा बैठक हुई। मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं ये, कितनी बैठकें की इन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ ताकि बिहार में अपराध को नियंत्रित किया जा सके, कितनी बैठकें की इन्होंने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, ठंड से लोग बिहार में मर रहे, कितनी बैठकें की इन्होंने कि भाई शेल्टर होम बना दिए जाए, कोई आसरा बना दिया जाए उनको लेकर। इन तमाम चीजों पर मेरे मुख्यमंत्री की आंखें बंद रहती हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रहती, पर जब बात संयोजक बनने की आती है तो दौड़े दौड़े दिल्ली जाएंगे, बेंगलुरु जाएंगे, मुंबई जाएंगे, हर जगह से बेइज्जत होके जाएंगे, पर फिर अगली बार उम्मीद लगा कर जाएंगे। अकेले बैठेंगे तो अधिकारियों से बात कर बिहार की समीक्षा नहीं करेंगे, फोन करेंगे नेताओं को कि हमको संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखिए, हमको संयोजक बनाने की आप लोग बात कीजिए। मुख्यमंत्री का काम, एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने संभालना एक लंबे समय पहले, सालों पहले इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने गृह मंत्री की जिम्मेदारी इन्होंने संभालना इन्होंने बंद कर दिया। अब बस इनको जिम्मेदारी चाहिए तो संयोजक बनने की, क्योंकि वही रास्ता है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का। इनको आने वाले चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनकर इनकी जो टीस है, इनके अंदर की जो एक कसक है कि भैया वो तीन बार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए तो हम तीन बार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की रेस में क्यों पिछड़ गए, इस बात की जो कसक है उनके मन में, उनको वो चुभती है, उनको फर्क नहीं पड़ता बिहार और बिहारियों से। भाई वो हर जगह के दरवाजे खुले रखते, मेरे मुख्यमंत्री अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए एनडी अलायंस कोई भारत को आगे बढ़ाने के लिए नहीं वो कर रहे हैं, एनडी अलायंस को वो सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने का एक रास्ता वो बनाए हुए, और अपने रास्ते कैसे बनाना है मेरे मुख्यमंत्री को बखूबी आता, कैसे जोर साहब को रास्ते से हटाकर खुद अध्यक्ष बन जाना, कैसे शरद यादव जी को रास्ते से हटाकर खुद अध्यक्ष बन जाना, जो उनको खूब आता है, आरसीपी जी को कैसे करीबी होने के बावजूद साइडलाइन कर देना, ललन बाबू जो उनके इतने करीबी उनको कैसे साइडलाइन करके खुद अध्यक्ष बन जाना, ये तमाम रास्ते बनाना मेरे मुख्यमंत्री को आता है और वो सारे रास्ते खुले रखते हैं। तो आने वाले दिनों में इसीलिए तो इंडिया अलायंस के नेता घटक दल उन पर विश्वास नहीं करते ना, कैसे विश्वास करेंगे जिन पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती, जो दो दो बार जनादेश का अपमान कर चुके हो, 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे महागठबंधन के साथ, तो जब ये अपनी जनता के नहीं हुए तो किसी गठबंधन के सगे क्या होंगे।